अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आई हुई हूँ गन्ना अम्मा के पास अमेरिका, और आज हम लोग आए हुए हैं टाइम स्क्वायर, जो कि जी सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में है। जिस तरह से यहाँ की है सिटी, इंग्लैंड की सिटी है, सेंट्रल लंदन है, उसी तरह से वहाँ की ये सिटी है जिसको आपने मेरी तरह फिल्म और ड्रामों में देखा होना है। ये जो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये बचपन से जस्ट इंग्लिश मूवीज़ में ही देखा करते थे, और लाइव उनको देखकर जो है आपकी फीलिंग्स ही और होती हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे सिटी आने का, लेकिन पहले हम लोग का प्लान था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, लेकिन फिर क्योंकि रोज़ कहीं आना जाना, रोज़ हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, तो बच्चे भी बड़े थक गए थे और जो है मैं भी ठीक ठाक किस्म की थक गई थी। तो फिर यही हमने प्लान किया कि ट्रेन से नहीं आते हैं, बाय कार ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है पार्किंग की। सिटी में पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आज इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि हाथ बग़ैर ग्लव्स के बाहर निकालते थे तो ऐसे लगता था जैसे बर्फ़ बन गए हैं, और जब बिल्डिंग्स देखते थे तो ठंड कम लगती थी। ये है जी जहाँ पर वो 9/11 का वाकया हुआ था, ये वो वाली बिल्डिंग है। क्या नाम है इस बिल्डिंग का, वो मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा। तो जी यहाँ वो वाकया हुआ था जो वो जहाज़ आके बिल्डिंग में लगा था, और अब इन्होंने यहाँ ये नीचे सारा शॉपिंग सेंटर बना दिया हुआ है, तो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। तो एक दिन तो खैर काफ़ी नहीं था, एक दिन भी नहीं, कुछ घंटे के लिए हम लोग तो आए थे, तो काफ़ी नहीं थे पूरी सिटी देखने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी देख ली। बच्चों के साथ जो है वो इतना आसान काम नहीं होता घूमना फिरना, स्पेशली मिंसा अभी काफ़ी छोटी है तो वो काफ़ी तंग करती है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बड़े अच्छे से हो गया, और हमने खूब इंजॉय किया, खूब गप्पे मारी, तस्वीरें ली, और हंस हंस के जो है ना वो चबाड़ियाँ दर्द कर रही थी हमारी, तो बड़ा मज़ा आया था। हम लोग घर से निकले थे कोई 4 बजे निकले थे, लेकिन पहले हम लोग खाना खाने चले गए थे, वो आगे चल के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, वो वीडियो मैंने एंड पे रखी है, क्योंकि पहले मैंने कहा इतने खूबसूरत नज़ारे में क्यों
आप लोगों को मिस कराऊँ है खाने दिखा के। खाने तो मैं आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ अपनी वीडियोस में। तो जी यहाँ की और ही दुनिया है। अब जब आप सिटी आते हो ना, जब यहाँ लंदन की भी मैं सिटी जाती हूँ तो वहाँ एक और ही दुनिया लगती है। ऐसे लगता है आप किसी और दुनिया में आ गए और जाने को जो है ना दिल नहीं करता। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे दिल से पूछें ना, तो मैं यहाँ अमेरिका आई हूँ ना, तो मेरा बस ये दिल करता है कि मैं हूँ शगुफ्ता हो और गप्पे हो, और हम ना कहीं आए ना जाए। मतलब इतना हम लोग तरसे हुए हैं बातों के लिए कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद में आती हैं। और नो डाउट अमेरिका बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा है, और अगर जस्ट आप एक्सप्लोर करने की नीयत से यहाँ आओ तो इसके लिए आप के पास ज़्यादा सारे दिन होने चाहिए। तो जी मेरे पास तो गिने हुए दिन है, और फिर भी हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं निकले ही होते हैं। और यहाँ की बिल्डिंग्स इतनी ऊंची ऊंची हैं कि गाड़ी में से ना सर बाहर निकाल के मैं देखती थी पूरा ऊपर बिल्डिंग को देखने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा मेरे साथ वीडियो देख के, जैसे कि हमें आ रहा था नई दुनिया देख के, नए लोग देख के, नया कल्चर देख के। अच्छा, मेरे माइंड में पहले ये था कि शायद अमेरिका के लोग ना बड़े ड्राई होते हैं, मतलब एक कंसेप्ट अमेरिका का कुछ इस टाइप का है ना। लेकिन मतलब मेरे एयरपोर्ट पे या जितने भी, या बाहर शॉपिंग करने जाओ, जहाँ जितने भी लोगों से, या मैं हमारे देसियों की नहीं मैं बात कर रही, मैं वहाँ के जो टिपिकल अमेरिकन हैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं जिन जिन से भी मिली हूँ, मेरा मिलना हुआ है, मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। यहाँ के लोग बड़े नाइस हैं, बड़े पोलाइट हैं, और एयरपोर्ट पे भी लोगों ने, मतलब जब फैमिली साथ देखी, क्योंकि मैं निसार तो आए नहीं है, मैं और बच्चे आए हैं, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बड़ा आसानी से सब कुछ होता गया अल्लाह की मदद से। एक लंबी लाइन लगी होती थी, लेकिन फैमिली को देख के जो है वो आगे ले जाते थे कि आप बच्चों के साथ हो। तो मतलब सारे काम जो है वो बड़े आसानी से अल्लाह पाक ने किए। मुझे थोड़ा डर भी था कि मैं अकेली जा रही हूँ, अमेरिका जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी मदद की। अच्छा, जो ये वाली वीडियो है ना, ये हम लोग आ रहे थे तब की है, क्योंकि हम लोग पहले पाकिस्तानी इलाके गए थे, क्या नाम था, ब्रुकलिन। वहाँ से हम लोगों ने खाना था, खाना ये है जी घर में, हमारा घर में। तो यहाँ से हमने मिठाई ली, खाना नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टी शार्टी हो रही थी, तो उनकी जो बैठने की जगह थी वो सारी रिजर्व थी। तो फिर हम कहीं और चले गए, फिर हमें अपना प्लान जो है वो चेंज करना पड़ा। लेकिन प्लानिंग ये करके आए थे कि ये लोग मुझे गौरमे से हमें खाना खिलाएंगे, लेकिन फिर इतनी ठंड थी कि हमें जो रेस्टोरेंट मिला हम वहाँ घुस गए। और फिर जी वापसी पे इन लोगों ने फिर ये टैक्सी से खाना लिया, इन्होंने कहा कि जी मैंने खाना नहीं सही खाया, तो मेरे लिए लोग मेरे बर्गर ले लिया और मुझे फिर दोबारा खाना पड़ा, लेकिन मेरे से पूरा नहीं खाया गया था। एनीवेज जी, वीडियो का करते हैं एंड, आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।